आज हम बात करेंगे कैसे आप लोग बना सकते हो अपनी खुद की फ्लूट। अब हम यूज करेंगे वाइटल जो कि एक फ्री प्लगइन है और आप इसमें मस्त साउंड डिजाइन कर सकते हो। तो हमने वाइटल को ऐड कर दिया और एक बार मेलोडी को सुनकर देखते हैं कैसे साउंड कर रही है। बढ़िया लग रहा है। तो ये डन है गाइस। फ्लूट तो फ्लूट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे ऑसिलेटर 1 में जाना है और यहाँ पर हमें वेव शेप सिलेक्ट करनी है, बेसिक शेप। कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम बेसिक, सिंपल सिंपल। और हमें क्या करना है, हमें एक और ऑसिलेटर को ऑन करना है और उसमें भी जाके सेम एक बेसिक शेप साइन चूज कर लेनी है। और फिर हमें क्या करना है, हमारे एनवेलप 1 में अटैक को हल्का सा इंक्रीज करना है और रिलीज को हल्का सा इंक्रीज करना है। तो जब भी फ्लूट बजती है वो बिल्कुल एकदम ऐसे ट्रांजिएंट नहीं होती, तो इसलिए हम अटैक को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और वॉइसेस को कर देते हैं 1, क्योंकि जो फ्लूट होती है वो कॉर्ड्स नहीं प्ले करती, वो मेलोडी प्ले करते हैं एक नोट एट अ टाइम। तो हम वॉइसेस में 1 कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, हम अपने LFO को लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हमारे ऑसिलेटर 2 के फाइन पिच से। तो अभी के लिए हमने ऑसिलेटर 1 बंद कर दिया है और ऑसिलेटर 2 को सुनते हैं। आपको सुनाई दे रहा होगा पिच ऊपर नीचे जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ से, बट इसको ग्रिड से हटा के टाइम पे सेकंड्स पे कर देते हैं। और अब हमारे ऑसिलेटर 1 को ऑन करते हैं और लेवल हमने बंद कर रखा है, हल्का सा इंक्रीज करते हैं। तो अब क्या करते हैं, एनवेलप 2 को हम कनेक्ट करते हैं ऑसिलेटर 1 के लेवल से और लेवल को कर देते हैं 0। तो अब क्या होगा, जैसे हम नोट हिट करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑसिलेटर 1 का होगा 0, उसको क्या करते हैं यहाँ से इंक्रीज करते हैं यहाँ तक। तो इससे ये हो रहा है कि ऑसिलेटर 2 तो आपका पूरे टाइम बजेगा लेकिन ऑसिलेटर 1 बस अपना थोड़ी देर के लिए आएगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अभी काफी हद तक फ्लूट जैसा लग रहा है, बट इसमें एक चीज मिसिंग है जो कि होती है जब भी फ्लूट को प्ले करा जाता है तो एक सी साउंड, एक नॉइस होती है। तो इसमें नॉइस को ऐड करते हैं। तो नीचे हमारे नॉइस सेक्शन पे चलते हैं और यहाँ से चूज करते हैं वाइट नॉइस। तो हमारी वाइट नॉइस में काफी ज्यादा लो एंड भी है और उसको हटा देते हैं, और हटाने के लिए हम यूज करेंगे फिल्टर को। हम फिल्टर 2 को ऑन करते हैं और अभी हमारा फिल्टर 2 ऑसिलेटर 2 से कनेक्टेड है, बट हमें फिल्टर करना है हमारी नॉइस को। तो इसको डिटैच करेंगे और हमारी नॉइस से लिंक करेंगे। आपको सुनाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉइस को इफेक्ट कर रहा है, जो पर फ्लूट बज रही है उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा। तो अभी हो रखा है हाई कट, इसको लो कट पे स्विच करते हैं या फिर हल्का सा बैंड पास रखते हैं। और अब क्या करते हैं, इफेक्ट्स में चलते हैं और यहां पे ऐड करते हैं डिस्टॉर्शन। और हल्की सी रिवर्ब। तो गाइस साउंड डिजाइन का प्रोसेस पूरा हो चुका है और एक बार सुनते हैं इसको। तो गाइस ये अच्छी लग रही है बट अभी भी थोड़ी कमी है और उसको पूरा करने के लिए हम करेंगे ऑडियो इफेक्ट्स का यूज। तो सबसे पहला इफेक्ट लगाया हमने ऑटो पैन का, और ऑटो पैन में हमने सबसे पहले बंद करना है फेज, बिकॉज फेज होगा तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट वाली चीज होगी। फिर हम रेट यूज करेंगे और रेट से हम अमाउंट सेट करेंगे कि हमें कितना फ्लटर चाहिए, और उसके बाद अमाउंट होगा कि कितना ज्यादा वॉल्यूम अप डाउन हो। फ्लूट को सोलो करते हैं और आपको अमाउंट फुल करते हैं और रेट को बढ़ा के आपको सुनाई दे रहा होगा फ्लटर इफेक्ट आ रहा है, बट इतनी तेज फ्लूट नहीं फ्लटर होती, तो हम इतना फास्ट नहीं करेंगे। अमाउंट को सटल सा कम रखते हैं। इसके बाद हमने ऐड करा सैचुरेटर, और सैचुरेशन के लिए हम यूज करें आइसोटोप का एक्साइटर, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इसको सैचुरेट कर रहे हैं। और गाइस जो ये प्रोसेस है, अगर आप नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा, हमें वो चाहिए था इसलिए हमने करा। अगर आपके ऐसे प्लगइन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमने EQ करा हमारी फ्लूट को, क्योंकि हमें कहीं कहीं जगह वो थोड़ी चुभ रही थी। इसके बाद हमने फिर से रिवर्ब ऐड करी,
बट रिवर्ब को डालने से क्या हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम कम हो चुकी है फ्लूट की, बट आगे भी तड़का लगने वाला है। तो गाइस इसके बाद हमने यूज करा है ऑडियो इफेक्ट रैक, और ये क्या होता है अगर आपको जानना है तो भाई कमेंट करो सारे के सारे, तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं हम, नटशेल में हम ईक्यू लगा रहे हैं, और ईक्यू हमने दो रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी ली है और उसको हमने ऑटोमेट कर दिया है। तो एक बार ऑटोमेशन देख लेते हैं कैसे हो रही है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या, और हम इस चीज को कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी ओरिजिनल फ्लूट को सुनोगे तो उसकी नॉइस में भी होते हैं रेजोनेंसेस, और रेजोनेंसेस आगे या पीछे मूव करते रहते हैं जैसे फ्लूट हाई पिच या लो पिच की तरफ मूव करते हैं। तो सेम चीज को हमने भी एम्यूलेट कर दिया हमारे EQ से। तो इसके बाद हमने ऐड करा है हमारा OTT जो की पूरी साउंड को उठा के ऊपर ला रहा है। तो गाइस बीट के हिसाब से हमने लो कट कर दिया कि लोज हट जाए और 808 आराम से बढ़िया तरीके से प्ले हो, और हल्का सा आप देख सकते हो हमने डायनामिक EQ यूज करा है। तो अगर प्ले करते हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर रही थी और हम चाहते थे थोड़े टाइम के लिए वो डिप हो जाए, तो हमने इसके लिए डायनामिक EQ यूज करा, और अब इसके लिए नोवा का EQ भी यूज कर सकते हो, फ्री है। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगेगी, और अगर बढ़िया लगी है तो जल्दी से नीचे लिख दो बढ़िया वीडियो, और क्या करना होता है। और अगर आप लोग हमसे म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स करना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, हमारी वेबसाइट आ रही होगी basleela.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।